और अभी हम यहाँ से आगे चल रहे हैं और आपको अपडेट देंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें दूंगा और यहाँ पर क्या काम हो चुका है उसकी भी अपडेट मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो अभी आपको सामने की साइड में दो पिलर नज़र आ रहे होंगे जिसके ऊपर की पिलर कैप लग चुकी है और उसके आगे दो पिलर और हैं जिनके ऊपर अभी पिलर कैप नहीं लगा है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट है ये आ रहा है हमारा पूरा बाईपास रोड से, मतलब पल्ला की साइड से, फरीदाबाद की साइड से, और ये टर्न हो रहा है यहाँ आने के बाद इस साइड। और ये जो पूरा अलाइनमेंट है दोस्तों ये आ रहा है हमारा मीठापुर पुस्ता रोड की साइड से फ्लाईवे करता हुआ, और यहाँ आने के बाद ये भी टर्न होगा और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एक ब्रिज का निर्माण करेंगे जो कि सिर्फ एक्सप्रेसवे के लिए होगा और बाकी नॉर्मल पब्लिक के लिए, लोकल्स के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ब्रिज तो ऑलरेडी है। और बात करते हैं यहाँ पर अपडेट की, तो अपडेट आपने देख ही लिया कि क्या काम दोनों साइड हो चुका है। पीछे साइड की अपडेट मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में दे चुका हूँ और इस साइड में, सामने की साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी एक टेम्परेरी डैम बनाया जा रहा है और उसमें अभी पिलर बनाना बाकी है। के सामने है ये वो एलिवेटेड पार्ट जिसके बारे में भी मैं बात कर रहा था, और ये बाईपास रोड है और उसके बाईपास रोड तक, और वहाँ जाने के बाद दोस्तों ये टर्न हो जाता है और टर्न होने के बाद और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो लेफ्ट वाले पिलर हैं उनके ऊपर पिलर कैप लग चुका है, डेक रख चुके हैं, गटर वगैरह, मतलब सब कुछ हो चुका है, फाउंडेशन का काम चल रहा है। और राइट वाले पे भी पिलर कैप लगाया जा रहा है जो कि यहाँ पर पहुँच चुका है आखिरी पिलर तक। लास्ट एक पिलर बचा है उसके ऊपर भी बहुत जल्द जो है पिलर कैप लगा लिया जाएगा, फिर यहाँ पर गटर का काम स्टार्ट हो जाएगा। और गटर का काम स्टार्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। और चलते हैं अब आगे की साइड। और जैसे ही हमारा एलिवेटेड पार्ट ख़त्म होता है ये अप्रोच रोड स्टार्ट हो जाता है, और अप्रोच रोड यहाँ काफ़ी आगे जाने के बाद आ जाता है ग्राउंड लेवल पर, लेकिन ये ग्राउंड से करीब 3 से 4 फुट की हाइट फिर भी लिए रहता है और चलता है आगे तक। यहाँ तक ये आपको 4 से 5 फुट की हाइट में लेकर आता है, और यहाँ आने के बाद फिर से एक रैंप स्टार्ट होता है। अप्रोच रोड यहाँ पर और बनना है क्योंकि अभी हम पहुँचने वाले हैं पल्ला चौक तक। पल्ला चौक के पास दोस्तों एक फ्लाईओवर और बनेगा क्योंकि जो पूरा ट्रैफिक होगा पल्ला तिलपत का वो उसी फ्लाईओवर के नीचे से क्रॉस करेगा इस साइड को, तो उसी अप्रोच रोड का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इस साइड में काफ़ी स्लो है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो थोड़ा बहुत काम हो भी चुका है, ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अभी तक का जो ट्रैफिक था वो जाता था इसी वाले रोड से, लेफ्ट साइड से, लेकिन अभी उसे बंद कर दिया गया और राइट वाला रोड चालू कर लिया गया है और लेफ्ट साइड में काम स्टार्ट हो चुका है। और अब हम पहुंच चुके हैं उसी फ्लाईओवर के पास। सामने की साइड में आप देख रहे होंगे आपको दोनों साइड में पिलर नज़र आ रहे होंगे, तो लेफ्ट वाले पिलर के ऊपर जो है पिलर कैप लग चुकी है और राइट वालों के ऊपर पिलर कैप नहीं लगी हुई है। तो लास्ट टाइम के मुकाबले अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुछ काम हुआ है इनके ऊपर, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि नहीं, इनके ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ आने के बाद फिर से हमारा एक्सप्रेसवे का जो फ्लाईओवर है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अप्रोच रोड। और यहाँ पर आप देखेंगे कि काम जो है किया जा रहा है, यहाँ पर गड्ढा खोद लिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है रिटेनिंग वॉल को लगाना है, और उस रिटेनिंग वॉल को लगाने के लिए यहाँ पर यह गड्ढा खोदा गया है क्योंकि यहाँ पर जो क्रेन है वो आराम से एक लेवल में वर्क कर सके। और लेफ्ट साइड में आपको काफ़ी ज़्यादा राख नज़र आ रही होगी, और उस साइड में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाइट में जो रिटेनिंग वॉल है उसको भी लगा लिया गया है। आपके माइंड में आ रहा होगा लेफ्ट साइड में वो काम कर लिया गया है तो राइट साइड में क्यों नहीं किया गया है, मैं आपको बता दूं दोस्तों जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं इस रोड को भी करंट में ही बनाया गया है। तो इससे पहले जो ये सारा ट्रैफिक है दोस्तों इस साइड से ही अप एंड डाउन करता था, इसलिए ये काम जो है यहाँ रुका पड़ा था। अब ये रोड चालू हो चुका है और यहाँ पर ये जो रिटर्निंग वॉल को लगाने का काम है और जो अप्रोच रोड बनाने का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा।
और अभी आपको राइट साइड में इलेक्ट्रिक पोल नज़र आ रहे होंगे, वो भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपको रोड के बीचों बीच में काफ़ी ज़्यादा पोल जो है वो नज़र आ रहे होंगे, जिनके ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर जो है जा रही है। तो इन वायर को यहाँ से हटाने के लिए ये राइट साइड में पोल लगाए गए हैं, और जो भी वायर होंगे दोस्तों उनको अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा। और इसके ऊपर जो यहाँ की कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी है DHBVN, वो इस पर काम कर भी रही है। और अभी हम पहुंच चुके हैं NHPC पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि गर्डर बनाने का काम चल रहा है, और आपको यहाँ पर एक दो गर्डर बने हुए नज़र आ भी रहे होंगे। और ये जो गर्डर है दोस्तों इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर बनना है। वो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर उसके दो तीन पिलर जो है बन चुके थे, और उनके ऊपर पिलर कैप भी लग चुका था, और कुछ पिलर थे जिनके ऊपर अभी पिलर कैप नहीं लगा था, तो उनका काम यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर फ्लाईओवर इसलिए बन रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो NHPC का पूरा ट्रैफिक होगा वो इसी फ्लाईओवर के नीचे से क्रॉस करके इस साइड आ सकेगा, मतलब अब जिस साइड में हम चल रहे हैं इस साइड आ सकेगा। और यहाँ आप देखेंगे वो पिलर जो मैंने भी आपको बताया था, एक पिलर, दो पिलर, तीन पिलर, और ये तीसरे पिलर के ऊपर आप देखेंगे कि सरिया निकली हुई है, तो मतलब यहीं पर जो है हमारा अप्रोच रोड स्टार्ट हो जाएगा। पिलर जो फ्लाईओवर जो है वो इतना सही रहेगा, इसके बाद जो है हमारा उस साइड में अप्रोच रोड स्टार्ट हो जाएगा, और अप्रोच रोड आपका आगे की साइड में जाएगा। और जहां हम अभी खड़े हैं दोस्तों ये बनने वाला है सर्विस रोड। तो आपको सामने की साइड में इलेक्ट्रिक हाई टेंशन पोल नज़र आ रहा होगा, तो इस पोल को यहां से हटा के थोड़ा साइड में किया जाएगा, जिसका कि काम यहां पर स्टार्ट हो चुका है। आप इस साइड में देखेंगे यहां पर आपके थोड़ी जो मिट्टी है उनको काटा गया है क्रेन की मदद से, और वहां पर जो है इसके छोटे छोटे दो पायर बना लिए गए हैं। अब इसी पायर की मदद से इसको पोल को यहाँ पर हटा के इस साइड लगाया जाएगा। और इसी खंबे की वजह से हमारा जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा था वो यहाँ आगे रुका था, और इससे आगे की साइड में अगर आप देखेंगे तो पूरे लेफ्ट साइड में पूरा ड्रेनेज सिस्टम बन चुका है। और ऐसे ही अगर हम राइट की बात करें तो राइट साइड में भी अभी ड्रेनेज सिस्टम पूरा बन चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर अप्रोच रोड बनना है, तो उसी अप्रोच रोड का काम यहाँ पर होने वाला है। और अब हम पहुंचने वाले हैं बुढ़िया नाले के पास, और देखते हैं यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा नाला है उसको रोड से क्रॉस करना है, तो उसी का जो यहाँ पर काम है स्टार्ट हो रखा है। यहाँ पर जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, और इस साइड में भी आप देखेंगे तो वहाँ से बनता हुआ आ रहा है, लेकिन ये बीच में रोड पे अभी रुका हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टाटा, जय हिंद, जय भारत।